कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए भारत जोड़ो यात्रा से, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। कौन सा जो कहे डरेगा भाई, किस बात के लिए डरेगा, किस बात के लिए डरेगा, कहाँ डरेगा, कहाँ डरेगा भाई? ना ना आप बताइए ना, क्यों डरेगा आप? एक पॉइंट बताइए कि क्यों डरेगा वो। उन्होंने बोला कि बीजेपी के वाले डर गए, मतलब बीजेपी के नेता डर गए, ना कि पब्लिक को नहीं बोला उन्होंने, बीजेपी के नेता को बोला। जब दिल्ली में राहुल गांधी जी आए थे तो क्या न्यूज़ चैनलों पर आया कि जो है ना राहुल गांधी जी को हेल्थ मिनिस्टर, कोविड चल रहा है ठीक है, कोविड चल रहा है। बंगाल में जब इलेक्शन हो रहा था, जब बीजेपी रैलियां कर रही थी, कोई सारी पार्टियां रैली कर रही थी, आप ये नहीं नहीं यार रिले आप देख रहे हो ना, आप देखो ना, उस टाइम पे कोई सी भी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कोई सी भी अन्य पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन आप देखो कोविड के टाइम पे इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन को रोका भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं रुकी, नहीं रुका ना कोविड के केस बढ़ गए। समझ लिया मैं ये कहना चाह रहे हैं कि कोविड के टाइम में भारत जोड़ो यात्रा बंद करा रहे हैं और इलेक्शन आपका नहीं हुआ बंद? नहीं नहीं ऐसा नहीं था, अगर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये जो यात्रा है तो ये देखिए ना, ममता दीदी भी तो वही काम कर रही थी ना, ममता दीदी के यहाँ चुनाव नहीं हुआ है? नहीं नहीं आपका इनका 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 बातों को हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस प्रकार का हुआ है। इनको भी मतलब कि गांधी जी को भी ये बंद करना चाहिए था, उनको बंद करना चाहिए क्योंकि कोविड आ चुका है। नहीं तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले डर गए भारत जोड़ो यात्रा से, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। कौन सा जो कहे डरेगा भाई, किस बात के लिए डरेगा, किस बात के लिए डरेगा, कहे डरेगा, कहे डरेगा भाई? ना ना आप बताइए ना, क्यों डरेगा आप? एक पॉइंट बताइए कि क्यों डरेगा? मैंने तो बोला नहीं डरेगा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना। वो उन्होंने बोला कि बीजेपी के वाले डर गए, मतलब बीजेपी के नेता डर गए, ना कि पब्लिक को नहीं बोला उन्होंने, बीजेपी के नेता को बोला। आप जो है ना यार, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहली बात उन्होंने बोला कि बीजेपी के नेता डर गए, ना कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले डर गए, उन्होंने ये वाली बात नहीं बोली है। बात आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर ये बीजेपी को समर्थित करते हैं ना, तो बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस को समर्थित कर रहे हैं तो आप कांग्रेस, इसीलिए तो आप राहुल को जी कह रहे हैं, मोदी को मोदी कह रहे हैं। तो मोदी तो बोला ही नहीं मैंने अभी तक, मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने तो अभी तक। आप आ गए ना, आप पूरी वीडियो निकाल लो, मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया। फर्क तो साफ है ना, 24 अगर देखे अधिकार है। स्क्रिप्ट का है तुम्हारा जो बना के लाया, एक चीज बोलूं, आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे कि मोदी मैं बोलूं, और मैं तब भी मोदी जी बोला क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए मोदी जी बोलूंगा। ये मानते हैं ना, इनको हम लोग शुक्रिया बोलते हैं, ये मानते हैं। देखिए मोदी जी में इतना इज्जत है कि कभी आज तक लोग मोदी जी को कभी पप्पू नहीं बोल सकता है, क्योंकि इनमें भी अंदर में आत्मीयता है कि वो कभी नहीं बोल सकते हैं। मोदी जी रिस्पेक्टेड आदमी थे और मोदी जी को ये लोग मोदी जी बोलेगा, लेकिन राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो लोग उनको पप्पू ही बोलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जनता दरबार इसी तरीके से लगता रहेगा, लोगों के हक और हुकूक की बात करते रहेंगे। कुल मिलाकर के कुछ लोगों का ये मानना है कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि फिर से 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, दिल्ली। द फ्रंट न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।